बड़ी खबर उन्नाव से खबर। 9 कोरोना मरीजों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान इन 9 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान इन 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो लगातार हालात उन्नाव में भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9 और लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इससे पहले हमने आपको बताया था यहां पर 40 लोगों के उन्नाव में शव जलाए गए थे और मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें यहां पर हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मौतों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें यहां पर उन्नाव में 9 और लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इन लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां पर इन 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी उन्नाव से, खबर बताई थी, जहां पर उन्नाव में कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई थी। 40 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था। तो आपको बता दें उन्नाव से खबर है, जहां पर 9 लोगों की और मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात सामने आई है। आपको बता दें यहां पर मीडिया कर्मचारियों को अस्पताल में जाने से रोका गया है और स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर बोलने को तैयार नहीं है। लगातार बड़ी लापरवाही की जा रही है। अनुराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुराज, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये सरस्वती मेडिकल कॉलेज का मामला है, जहां कोविड पेशेंट भर्ती थे और आज 9 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जो अस्पताल है वहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिस कारण इन सभी मरीजों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जिस मरीज की तबीयत बिगड़ती है उसे ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और दूसरे मरीज से हटा दिया जाता है। इसी के कारण 9 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और जो अस्पताल प्रबंधन है, जो जिम्मेदार है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही बाहर आकर कुछ बता रहे हैं और जो परिजन है, तीमारदार है, उन्हें भी ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल अनुराज, यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कितने और मरीज है जिनकी हालत अभी खराब है। बिल्कुल, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो अंदर से तीमारदार निकलकर सामने है, उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 से 6 मरीज अभी ऐसे और हैं जिनके साथ यही स्थिति बनी हुई है। बड़ी चीज ये है कि ऑक्सीजन ना होने के बावजूद भी जो प्रशासन है ऑक्सीजन होने के दावे कर रहा है और जो अंदर मरीज है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसके बाद आज 9 मरीजों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, क्या आपकी प्रशासन से बात हो पाई अनुराज? क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते इन मरीजों की मौत हुई? क्या कोरोना की वजह से मौत हुई या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन मरीजों की मौत हुई? जी बिल्कुल, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, सभी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं, जो नोडल अफसर है वो फोन नहीं उठा रहे हैं और अस्पताल के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल अनुराज, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कौन से अस्पताल में 9 लोगों की मौत हुई है और बाकी उन्नाव के अस्पतालों में कैसे हालात बने हुए हैं? क्या यहाँ पर भी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो उन्नाव के जितने भी अस्पताल हैं सभी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और ये जो 9 मरीज हैं ये सरस्वती मेडिकल कॉलेज है वहां पर भर्ती थे। ये उन्नाव का कोविड हॉस्पिटल है जहां सभी मरीजों का इलाज चल रहा था और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी मरीजों की मौत होने की बात अभी तक सामने आ रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, अस्पताल प्रबंधन जो जिम्मेदार है वो भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, किसी को अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, परिजनों से तीमारदारों से बात नहीं करने दी जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराज।